रुकते हैं प्रदेश की ओर। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने हिमाचल प्रदेश वासियों को 100 यूनिट तक बिजली व सस्ती दर पर सीमेंट प्रदान करने की प्रदेश भाजपा सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रश्न किया कि हिमाचल प्रदेश बिजली और सीमेंट उत्पादक राज्य होने पर भी प्रदेश की जनता को महंगी बिजली और सीमेंट क्यों प्रदान कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बेलगाम होते जा रहे अवैध नशीले पदार्थों के काले कारोबार के बढ़ते कदमों को रोकने के प्रति सरकार से आग्रह किया। करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष पीयूष चंदेल ने हिमाचल प्रदेश वासियों को 100 यूनिट तक बिजली व सस्ती दर पर सीमेंट प्रदान करने की भाजपा प्रदेश सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश बिजली और सीमेंट उत्पादक राज्य होने पर भी प्रदेश की जनता को महंगी बिजली व सीमेंट क्यों प्रदान कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बेलगाम होते जा रहे हैं अवैध नशीले पदार्थों के काले कारोबार के बढ़ते कदमों को रोकने के प्रति सरकार से आग्रह किया। साथ में चेतावनी भी दी कि अगर हिमाचल प्रदेश में 100 यूनिट बिजली मुक्त प्रदान करने, सस्ती दर पर सीमेंट देने के अलावा नशीले पदार्थों को बढ़ते कारोबार को रोकने के प्रति कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो भविष्य में करनी सेना हिमाचल प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी, जिसके प्रति प्रदेश सरकार की उसकी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष पीयूष चंदेल ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। करनी सेना एक सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन है। करनी सेना धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना कार्य करती आई है और भविष्य में भी अगर धर्म और संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो करनी सेना पूर्ण तरह उसका विरोध करेगी। करनी सेना राष्ट्र भक्ति के लोगों के साथ है, लेकिन जो राष्ट्र के विरोधी है उनके खिलाफ करनी सेना जो है अपनी आवाज बुलंद करेगी। मेरा सरकार से भी ये मांग है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर नशे की चपेट में खास तौर पर सारा युवा हिमाचल प्रदेश का अंदर आ चुका है, तो इसके खिलाफ भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2-3 ग्राम वालों को नहीं, जो बड़े बड़े नशे के व्यापारी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको पकड़े और तुरंत इनको जेलों में डालें। मेरी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द ही जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा कहीं करनी सेना को एक आंदोलन का रूप न लेना पड़े। तो मेरी सरकार से मांग है कि नशे के व्यापारियों को जल्द जल्द पकड़े और जो हिमाचल प्रदेश के जिस तरीके से ये नशे की चपेट में सारे आए हैं युवा, इस महामारी से हिमाचल प्रदेश जल्द जल्द बाहर आए। हिमाचल प्रदेश में करनी सेना दस्तक कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में करनी सेना का तेजी के साथ काम किया जा रहा है, तेजी के साथ विस्तार किया जा रहा है। अभी हमारे हर जिला स्तर पर, हर मंडल स्तर पर करनी सेना की टीमें बन चुकी है। खास तौर पर युवाओं का करनी सेना के प्रति बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता करनी सेना से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा रुझान हमें मिल रहा है। अभी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में करनी सेना कार्यकर्ता मिलन समारोह के तौर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सभी कार्यक्रमों के माध्यम से करनी सेना के साथ भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं और करनी सेना की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। करनी सेना हिमाचल प्रदेश में भी हर जिला स्तर पर काम कर रही है और करनी सेना हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करती है और कुछ मुद्दों पर करनी सेना अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अभी करनी सेना हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश में जो बिजली है, हमारे हिमाचल प्रदेश में ही बिजली उत्पन्न होती है और अन्य राज्यों में जो बिजली जो है अभी फ्री दी जा रही है और हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां पे एक बांध बनाने के लिए बिलासपुर जैसे भाखड़ा बांध हो चाहे पोंग डैम हो, ऐसे अनेक लोगों की जमीनें गए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में उनको एक तो जमीनों का हक नहीं मिला, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में ही क्या कहते हैं बिजली जो है अभी तक फ्री नहीं है। तो मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि सरकार को हिमाचल में तकरीबन 100 यूनिट तो कम से कम बिजली जो है फ्री में देनी चाहिए। और मेरी इस प्रदेश सरकार से यह भी मांग है कि हिमाचल प्रदेश में 3-3 जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं उसमें जो आज के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 400 रुपए जो है एक सीमेंट की एक रेट है, तो मुझे लगता है कि जो सीमेंट जो मिलना चाहिए वो कम से कम सरकारी रेट पे जनता को मुहैया कराना चाहिए। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इसके साथ साथ बेरोजगारी भी जो हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अभी मैं आंकड़ा देख रहा था तकरीबन 20% के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन टॉप 3 स्टेट्स में आ चुका है बेरोजगारी में। तो इस
इस चीज के ऊपर भी प्रदेश सरकार को गहन विचार करने की जरूरत है। और मेरी ये सरकार से मांग है कि इन मुद्दों को गंभीरता से लें, कहीं ऐसा ना हो कि करणी सेना को आंदोलन का रूप लेना पड़े और सभी युवाओं को इस बेरोजगारी के महामारी के कारण कहीं सड़कों में ना उतरना पड़े। तो मेरी ये मांग है कि इन मुद्दों पे गहन विचार करें और जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश को ये बिजली, सीमेंट और बेरोजगारी जैसे इन मुद्दों पे विचार करें और इनको जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश की जनता को मुहैया कराने का प्रयास करें।